हेलो फ्रेंड्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम आज मल्टीप्लायर के अंदर हम लीकेजेस, इम्पॉर्टेंस एंड इसका क्रिटिसिज्म करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी लीकेजेस क्या है। देखो, जो लीकेजेस का मतलब होता है कि नेचुरली जो मल्टीप्लायर है, इसका जो अर्थ होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनकम के अंदर कई गुना इजाफा होता है, और जो मल्टीप्लायर है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। लीकेज का मतलब होता है सेविंग। देखो, जब इनकम होती है जो खर्च ही नहीं होता, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मल्टीप्लायर का इतना इम्पैक्ट नहीं होता। ये जो लीकेजेस होते हैं, इनको हम कहते हैं इनकम डैट इज़ नॉट स्पेंट फॉर करेंटली प्रोड्यूस कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विसेज मे बी रिगार्डेड एज ए हैवली लीक्ड आउट ऑफ इनकम स्ट्रीम। लीकेजेस जो होते हैं बेसिकली सेविंग्स होती हैं, और जिनकी वजह से क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती। जैसे आइडल सेविंग है, जैसे कुछ लोग देखो ट्रंकों में रख देते हैं। जो आइडल होती है कि जो बेकार में सेविंग हमने ट्रंकों के अंदर रखी हुई है, मतलब जिसको हम प्रोडक्टिवली यूज़ नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से हमारी एमपीसी भी कम होगी। उसी तरह जो हमारी इंक्रीज इनकम होती है, उसका कुछ हिस्सा जो है हम पुराने शेयर और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में परचेज करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि हम कंज्यूमर गुड्स के ऊपर तो खर्च नहीं कर रहे, तो यहाँ पे नेचुरली वो पैसा जो है शेयर के फॉर्म में ब्लॉक हो जाता है। और उसी तरह क्या होता है कि जो इंक्रीज इनकम है, अगर हम पुराने डेट को पे करते हैं तो वो भी कंजम्पशन के ऊपर स्पेंड नहीं करते। अगर इंपोर्ट करते हैं तो वो पैसा बाहर चला जाता है। उसी तरह देखो, अगर इनकम में इजाफा होता है तो कंजम्पशन में भी इंक्रीज़ होना चाहिए। बट अगर जो इंक्रीज डिमांड है वो एग्जिस्टिंग एक्सेस स्टॉक से मीटअप की जाती है, तो इसका मतलब है कि नई चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होती। कुछ लोग जो होते हैं वो कैश ज़्यादा रखना पसंद करते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि अगर इन्फ्लेशन है तो हमारी इनकम का ज़्यादा हिस्सा तो जो पहले चीज़ें खरीदते थे उन पे लग जाएगा। और उसी तरह क्या है कि अगर टैक्स इंक्रीज़ हो जाता है तो नेचुरली कंजम्पशन के अंदर इंक्रीज़ नहीं होगा, तो मल्टीप्लायर का उतना इफेक्ट नहीं होगा। उसी तरह कंपनी जो होती है अपने पास प्रॉफिट ज़्यादा रिटेन करती हैं, शेयर होल्डर को नहीं देती, तो वह खर्च नहीं कर पाती। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मल्टीप्लायर का अगर पूरी की इनकम का काफ़ी हिस्सा जो है कंज्यूम हो जाए, तो उसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है। तो ये लीकेजेस होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि मल्टीप्लायर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है, उतनी ये वर्क नहीं कर पाता क्योंकि वो जो पैसा है वो स्पेंड ही नहीं हुआ। और देखो, जब हम मल्टीप्लायर का कंसेप्ट बताते हैं तो उसके अंदर कुछ अजम्पशंस होती हैं। उन अजम्पशंस की क्या है कि कुछ लिमिटेशंस हैं। एक तो देखो, जो मल्टीप्लायर है ये तभी इफेक्टिव है अगर कंज्यूमर गुड जो है प्रॉपर मात्रा के अंदर क्या है अवेलेबल है। क्योंकि जब हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी तो हम चीज़ों की डिमांड करेंगे। अगर ये चीज़ें डिमांड ही नहीं, अगर ये चीज़ें अवेलेबल ही नहीं होंगी तो हम खर्चेंगे किस पे। और जो बेसिकली क्या होता है कि शुरू में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनकम इंक्रीज़ होती है, तो मल्टीप्लायर इमीजिएटली ऑपरेटिव नहीं होता, उसके अंदर टाइम गैप का पीरियड होता है। तो कितनी टाइम के बाद क्या है कि मल्टीप्लायर का जो इफ़ेक्ट है वो दिखता है। देखो, मल्टीप्लायर जो है इसका बेनिफिट तभी होता है अगर ये लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनकम में इजाफा होता है, फिर और होता है, तो उसमें क्या होता है कि नेचुरली आउटपुट इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। और ये तभी पॉसिबल है अगर सिचुएशन जो है लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट है। उसी तरह क्या है कि एक ही बार इन्वेस्टमेंट नहीं डालनी, कंटिन्यूशन में इन्वेस्टमेंट जो है डालनी है। और यहाँ पे ये भी है कि जो इन्वेस्टमेंट है ये नहीं कि एक जगह पे डिक्रीज होगी, एक जगह पे इंक्रीज हो गया तो उसका जो नेट इफेक्ट होएगा ऑफसेटिंग होएगा, नेट कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ। तो नेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। उसी तरह नेट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, ये नहीं कि कुछ चीज़ें हमने नहीं परचेज की, कुछ का हमने खर्चा बढ़ा दिया, तो वो बैलेंस हो जाता है। तो हमारा नेट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, नेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसी तरह देखो, जो साइज ऑफ द मल्टीप्लायर है, एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है जो कि प्रॉफिट से मोटिव होके होती है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है जो प्रॉफिट से नहीं, जो सरकार करती है। तो ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट होता है सुपर मल्टीप्लायर का होता है। देखो, यहाँ पे हम ये लेते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो क्लोज्ड है, उस पर फॉरेन ट्रेड का कोई इफेक्ट नहीं होता। हम यहाँ पे ये भी अज्यूम करते हैं कि जो हमारी एमपीसी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लायर जो है इफेक्टिवली काम करता है। हमारी जो इकोनॉमी है इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, क्योंकि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है ये नेचर के ऊपर डिपेंड होती है।
और यहाँ पे ये भी है कि जब हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करते हैं, इनकम भी इंक्रीज़ होती है। इनकम की वजह से क्या होता है, कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होती है, और कंजम्पशन जो है तभी इंक्रीज़ होगी जब सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है, अगर नेचुरली जो मतलब शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या है कि डिमांड बढ़ेगी तो चीज़ों की प्रोडक्शन होगी। और उसी तरह क्या है कि जो मल्टीप्लायर है ये तभी इफेक्टिव है जब बेस मतलब जो अदर सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन हैं वो भी अवेलेबल हैं, प्रोडक्शन आराम से हो सकती है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, प्राइसेस के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन इफेक्ट को इग्नोर करते हैं। एक्सेलरेशन इफेक्ट का मतलब होता है कि जब हमने 1 रुपया कमाना है तो उसके लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो वो एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद देखो क्रिटिसिज्म है कि देखो ये एक जो मल्टीप्लायर है ये एक मैकेनिकल रिलेशनशिप मानता है। ये कहता है कि जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इनकम में इजाफा होता है, नेचुरली इसके अंदर भी क्या है कि ये रिलेशनशिप जो है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि इकोनॉमी के अंदर क्या है, ऑप्टिमिज्म है या पैसिसिज्म है। और उसी तरह ये अज्यूम करता है कि सेविंग और जो इन्वेस्टमेंट है ये इक्वल है, जबकि ये रियलिटी के अंदर ट्रू नहीं होता। और उसी तरह देखो टोटियोलॉजी का मतलब है कि ये एक ही चीज़ को बार बार शब्दों में बोलता है कि जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनकम के अंदर इंक्रीज़ होती है, कंजम्पशन बढ़ती है, इनकम इंक्रीज़ होती है। उसी तरह जो ये कहता है कि जो MPC है ये <1 है, ये कॉन्स्टेंट रहती है, पर ये भी क्या होता है कि इतना सिंपल नहीं होता। और यहाँ पे क्या है कि अगर सही हमने मल्टीप्लायर को स्टडी करना है तो हमें एक्सेलरेशन का इफेक्ट भी स्टडी करना पड़ेगा। और इसने अननेसेसरी क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग को ज़्यादा तवज्जो दी है, और इसके अंदर क्या है कि प्रैक्टिकली भी कई डिफेक्ट्स हैं। अब हम देखते हैं कि जो मल्टीप्लायर है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। देखो जो कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर है ये हमें बताता है कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इनकम में जो इजाफा होता है कि ये नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट करते हैं आउटपुट भी इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, इनकम भी जनरेट होती है। और सेकेंडली क्या है कि जो मल्टीप्लायर है ये हमें बताती है कि अगर इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकम के अंदर कई गुना इजाफा होगा। फिर ये ट्रेड साइकिल को भी हमें बेटर वे में एक्सप्लेन करता है, बूम क्यों है, डूम क्यों है। और नेचुरली जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि शुरू में हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी तभी हम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। और ये कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है तभी पॉसिबल है अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है इक्वल है। अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है तो मल्टीप्लायर का काफ़ी बेनिफिशियल है। उसी तरह जो मल्टीप्लायर है ये हमें डेफिसिट फिनांसिंग के बारे में भी बताता है कि डेफिसिट फिनांसिंग से क्या है कि जब सरकार नोट्स प्रिंट करती है तो डिप्रेशन को दूर कर सकती है। और यहाँ पे ये भी है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिप्रेशन के अंदर अगर सरकार इन्वेस्ट करती है तो इकोनॉमी के अंदर वो आ जाता है। और उसी तरह इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है कि चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं तो नेचुरली इन्वेस्टमेंट को कम करना पड़ता है, डिफ्लेशन है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा करना पड़ता है। और जो गवर्नमेंट है समय समय पर इकोनॉमी के अंदर बैलेंस लाने के लिए क्या है कि गवर्नमेंट जो है इंटरफेरेंस लाती है, बैलेंस लाती है इकोनॉमी के अंदर। उसी तरह देखो जो मल्टीप्लायर एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, नेचुरली देखो जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है ये बहुत नेसेसरी है, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट उन्हीं एरियाज़ के अंदर करनी चाहिए जहाँ पे MPC ज़्यादा है। और उसी तरह क्या है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है उस टाइम पे करनी चाहिए जब मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है मैक्सिमम होता है, और यहाँ पे कोशिश होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्रीज़ होना चाहिए। और ये जो है ये नहीं है कि कुछ लोगों के हाथ में ही कंसंट्रेटेड हो। देखो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर जो मल्टीप्लायर है उसको हम मॉडिफाई करके लगा सकते, क्योंकि कुछ अजम्पशंस होती हैं जैसे वहाँ पे इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए, एक्सेस कैपेसिटी इन कंजम्पशन गुड इंडस्ट्री होनी चाहिए, इलास्टिक सप्लाई होनी चाहिए। तो ये सारी अजम्पशन जो होती हैं अंडर डेवलप्ड नेशंस के अंदर पॉसिबल नहीं होती। तो नेचुरली यहाँ पे इसको मॉडिफाई करके क्या है, इसका बेनिफिट लेने के लिए क्या है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर इसको अप्लाई